हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं मेरे पास लेबर जॉब्स को लेके। इंडियंस और पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा कनाडा के अंदर जॉब्स कर रहे हैं, वो भी फैक्ट्री लाइफ के अंदर। दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि फैक्ट्री जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पर आपको ना ही किसी एजुकेशन की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा आइल्स की ज़रूरत है। ये जॉब सबसे आसान भी मानी जाती है कनाडा के हवाले से, और यहाँ पर सैलरी पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप अपने पैसे इंडिया या पाकिस्तान बेचते हो तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो वहाँ पे। अब बात की जाए दोस्तों कि आप किस तरीके से इस जॉब को गेट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त है या तो कोई रिलेटिव है जो कि वहाँ पर फैक्ट्री जॉब करता है, तो वो आपको बिल्कुल आसानी जॉब दिलवा सकता है। आप जानते हो दोस्तों, अगर आपको आपके पास जॉब ऑफर होता है तो आप किसी भी प्रोग्राम के तहत बिल्कुल आसानी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे बात की जाए कि अगर आपका कोई भी दोस्त या रिलेटिव कोई भी वहाँ पर है, तो वो आपको बिल्कुल आसानी फैक्ट्री जॉब दिलवा सकता है। क्योंकि वहाँ पर जो लेबर शॉर्टेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 100-200 वर्कर्स की हमेशा ही उनको ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए आप बिल्कुल आसानी वहाँ पर जॉब गेट कर सकते हो। नंबर टू की बात की जाए तो दोस्तों, वहाँ पर ना छोटे छोटे एजेंट्स होते हैं जो कि लेबर जॉब्स दिलवा देते हैं, लाइक फैक्ट्री जॉब्स। इसके अलावा मैंने कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी आपको बताई थी जहाँ पर आप बिल्कुल आसानी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और अगर लेबर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, फैक्ट्री की जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको बिल्कुल आसानी दिलवा सकती है। क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, ये खुद ही जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी या ये छोटे मोटे एजेंट्स के पास जाती है और उनको बोलती है हमें वर्कर्स की ज़रूरत है। और ये इंडिया या पाकिस्तान की तरह जो वहाँ पे जो चीटर एजेंट्स हैं उनकी तरह नहीं होते। ये बाकायदा आपकी जॉब लगवाते हैं, हाँ थोड़े बहुत आपसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन आपको गारंटी जॉब लगवा देते हैं। और इसके अलावा बात की जाए, यहाँ पे जॉब सेंटर्स भी हैं दोस्तों कनाडा के अंदर। अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर कनाडा जाते हो और वहाँ पे जाने के बाद आप जॉब सेंटर्स जाते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री की जॉब्स देखने को मिल जाएगी। अगर आप अपना माइंड बना के जा रहे हो कि मुझे लेबर जॉब करनी है, तो आपके लिए ये एक अच्छा चांस हो सकता है कि आप वहाँ जाके फैक्ट्री में जॉब कर पाओ। अब फ्रेंड्स बात की जाए नंबर 5 की, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको ना ही ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, ना ही ज़्यादा आइल्स की। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जब वहाँ जाओगे तो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कोई आपसे कोई चीज़ पूछी नहीं जाएगी, सिर्फ एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा और फॉर्म फिल करवाने के बाद आप अगले दिन से जॉब पर जा सकते हो। अब दोस्तों अगर आप ये देखते हो कि आप विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाते हो और आप जॉब सेंटर्स वगैरह नहीं जाना चाहते, तो आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ जा सकते हो। और वहाँ पे जाने के बाद आप किसी भी फैक्ट्री में जाओगे तो आपको वहाँ पे 100% वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स बात की जाए उन लोगों के लिए जहाँ पर जो लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, अब वहाँ पर यूनिफॉर्म्स होते हैं, शूज़ वगैरह ये सारे खर्चे होते हैं, तो ये सब आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी फैक्ट्री खुद आपके लिए करेगी, यूनिफॉर्म भी खुद ही बनवा के देगी, शूज़ भी खुद ही देगी, और भी चीज़ें जो होती है आपकी ज़रूरत की वो भी वही आपको प्रोवाइड करेगी। अब बात की जाए एजुकेशन आपको कितनी चाहिए, तो यहाँ पर एजुकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर बात की जाए सैलरीज़ की, अब फ्रेंड्स यहाँ पर सैलरीज का सीन ऐसा होता है कि अगर आप काम करने में अच्छे हो और आप सही से काम कर रहे हो, एक तो बंदे होते हैं ना जो सारा दिन रोते रहते हैं कि यार ये चीज़ नहीं मिल रही है, हमें तो थक जाते हैं, ये हो जाता है, तो ऐसे लोग फैक्ट्रीज वालों को नहीं पसंद। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, चुपचाप अपना सारा काम टाइम पे कर रहे हो, तो आपकी सैलरी हर 6 महीने साल के अंदर इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, जिससे आपकी सैलरी और मज़ीद अच्छी हो जाएगी। साथ ही में बात की जाएगी ये जॉब कितने घंटे की होती है, तो ये 8 घंटे की जॉब होती है, और साथ ही में आपको म्यूज़िक सुनना भी अलाउ होता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज में आपको म्यूज़िक का सिस्टम भी देखने को मिलेगा, या तो फिर आप अपनी हैंड पीस वगैरह खुद ला सकते हो और अपने इंडियन गाने या पाकिस्तानी गाने भर के और वहाँ पे बिल्कुल आसानी सुन सकते हो, तो आपके 8 घंटे ऐसे निकलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात की जाए दोस्तों कि फैक्ट्री में जॉब क्या होती है, आपको करना क्या होता है। अब फैक्ट्री के अंदर आपको क्या करना होता है कि वहाँ पर जब भी आप जैसे फैक्ट्री के अंदर लगते हो तो आपको काम दिया जाता है, या तो कोई पैकेजिंग उठाने होते हैं, कुछ पार्सल हो रहा होता है, वो पार्सल उठा उठा के आपको दूसरी जगहों पे रखने होते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, इतने ज़्यादा हैवी नहीं होते, कार्टन टाइप चीज़ें होती है वो आपको उठा के रखनी होती है, या तो कुछ मशीनी का जो सामान होता है लाइक नट बोल्ट हो गए, ये हो गए। इसके अलावा अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के अंदर लग जाते हो, तो वहाँ पर आपको जो है वो टांके वगैरह जो लगाने का काम होता है वो आपको मिलेगा,
तो ये सारी चीजें होती है, आपको बैठ के ही करना होता है, कहीं खड़े होकर भागम दौड़ी नहीं करनी होती। हाँ, लेकिन हमारे इंडियन भाई और पाकिस्तानी भाई का कहना है कि यार काफी ज्यादा थक जाते हैं फैक्ट्री की जॉब में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताते चलूँ कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको पाकिस्तान में भी ऐसी जॉब मिलेगी और इंडिया के अंदर भी ऐसी ही जॉब मिलेगी। बट कनाडा में काम करोगे तो आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और कनाडा के अंदर तो आपको पता ही है दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करोगे तभी तो पैसा मिलेगा। अब बात की जाए दोस्तों सैलरी कितनी होती है यहाँ पर, तो सैलरी यहाँ पे आपको $10 से लेके $20 पर आवर देखने को मिलेगी। मतलब कि आप मंथली $2,000 तक आसानी से अर्न कर सकते हो। इंडिया करेंसी की बात की जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए आसानी कमा सकते हो, और पाकिस्तानी करेंसी की बात की जाए तो 3 से 4 लाख रुपए बिल्कुल आसानी आप अर्न कर सकते हो मंथली। और फ्रेंड्स, बात की जाए कि यहाँ पर जाने का सबसे बेस्ट वे क्या है, तो वो है रिक्रूटमेंट एजेंसी। आप रिक्रूटमेंट एजेंसी से कॉन्टेक्ट करो और उनसे डिमांड करो फैक्ट्री जॉब्स की। आपको गारंटी रिस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा और बहुत जल्द वो आपको जॉब भी प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज होती है। अगर आप फैक्ट्री जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल आसानी फैक्ट्री जॉब देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी आप लोगों को बताऊँ कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो कि आपको फैक्ट्री जॉब बिल्कुल आसानी दिलवा सकती है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों की बिल्कुल हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।